हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा आप लोग जानते हैं कि ठंड बहुत तेज बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स इस ठंड को बढ़ते हुए देखकर मेरे मन में एक देसी तगड़ा जुगाड़ आया। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बनाने वाले हम एक रूम हीटर। तो फ्रेंड्स, ये जो रूम हीटर है 100% वर्किंग है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम ले लेंगे एक मटका। तो फ्रेंड्स, इस मटके के ऊपर हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर शेप का मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर शेप का मार्क कर ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं ये हमारा जो मार्क है, इसके ऊपर से हम कटिंग करेंगे। जैसा फ्रेंड आप देख सकते हैं, आप मैंने इसे कटिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इसको मैंने पूरी अच्छी तरीके से फिनिशिंग से कट कर लिया है। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने एक प्रेस का कॉइल ले लिया है। तो फ्रेंड, इसी के प्रेस के कॉइल से मैंने एक रूम हीटर बनाया। तो फ्रेंड्स, वो वीडियो देखो तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वो जो हमारा कॉइल है, उसको इस मटके के अंदर फिक्स करने के लिए हम साइकिल की पीली का यूज़ कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस पीली को यहाँ पर फिक्स करने के लिए जो हमारा पीछे का साइड वाला जहाँ पे पीली यहाँ पे अटैच किया है, वहाँ पर थोड़ा सा होल कर लेंगे। तो फ्रेंड, उसी प्रकार हम दोनों साइड होल कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसे फटाफट से होल कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा दोनों साइड होल चुका है। अब फ्रेंड्स, देख सकते हैं मैंने दोनों साइड होल कर लिया है। अब फ्रेंड, जो हमारा पीली है, उसको हम यहाँ पर फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड, इसको अच्छे तरीके से फिक्स करने के लिए मैं यहाँ स्टेन ग्लू का यूज़ कर रहा हूँ। अंदर से फ्रेंड मैंने स्टेन ग्लू लगा दिया, और फ्रेंड बाहर से भी स्टेन ग्लू लगा देंगे। उसी प्रकार फ्रेंड, दूसरे तीली को भी हम स्टेन ग्लू से अच्छे तरीके से छिपा कर फिक्स कर लेंगे। तो आ सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैंने इसे फिक्स कर लिया है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो कॉयल है, उसको हम अपने जो पीली है उसके ऊपर फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, फिक्स करने से पहले इसका वायर निकालने के लिए हम यहाँ पर अपने घड़े के बाहर दो छोटा सा होल कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें जहाँ होल करना है वहाँ पर हम मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, मार्क करने के बाद यहाँ पर हम अपना जो वायर फिक्स करेंगे, उस वायर के अनुसार वहाँ पर होल करेंगे। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, मैंने दोनों साइड होल कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ मैं पीवीसी स्विल ले रहा हूँ। अब फ्रेंड्स, इस स्विल को हमारा जो कॉयल का जो दो पत्ती निकला है, उसके अनुसार जितना बड़ा है वो उतना बड़ा कट कर लेंगे। अब फ्रेंड्स, जो हमारा वायर है, उसके अंदर इस स्विल को डाल देंगे। और फ्रेंड्स, डालने के बाद जो हमारा कॉयल का जो पत्ती है, उसके अंदर हम कनेक्शन करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे हम थोड़ा प्लास की मदद से इसे अच्छी तरीके से टाइट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारा स्विल है, उसको हम अपने पत्ती के ऊपर से कवर कर लेंगे। उसी प्रकार फ्रेंड्स, हमारा जो दूसरा वायर है, उसको भी अच्छी तरीके से यहाँ पर कनेक्शन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उसका कनेक्शन कर लिया। फ्रेंड्स, जो हमारा वायर है, उसको अपने मटके के अंदर फिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, बहुत सावधानी पूर्वक यहाँ पर फिक्स करेंगे, क्योंकि फिर जो हमारा कॉइल था बहुत ही कमज़ोर होता है। तो फिर वो फिक्स करने का ज़्यादा फ्रेंड गलत आप छिड़का नहीं करेंगे तो वो टूट भी सकता है। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जो हमारा वायर है, उसको अपने जो होल किया था उसके अंदर से डालकर बाहर निकाल लिया है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सावधानी पूर्वक मैं इसे यहाँ पर अच्छे तरीके से फिक्स कर ले रहा हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर जो हमारा कॉयल है, वो फिक्स हो चुका है। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने दो स्विच ले लिया है, और फिर इसको बीच में से कट कर लिया है।
और फ्रेंड्स कट करने के बाद जो हमारा वायर है उसमें हम अच्छे तरीके से फोल्ड करके जो हमारा होल किया था उसके अंदर डाल देंगे। तो इस पेपर से हमें डालने के बाद इस पर स्टैंड ग्लू से अच्छे तरीके से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स उसी प्रकार हम दूसरे वायर को भी अच्छे तरीके से चिपका देंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने कॉइल को आगे सपोर्ट देने के लिए कॉपर का वायर यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इस कॉपर का वायर से जो हमारा कॉइल है उसको अच्छे तरीके से यहाँ पर बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, मैंने जो हमारा कॉइल है उसको तरीके से बांध लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ बांधने के बाद में फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक 3 वोल्ट का मोटर ले लिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक प्रोपेलर ले लिया है। फ्रेंड्स देख सकते हैं वो प्रोपेलर जो हमारा बड़ा था, तो फ्रेंड्स मैंने इसको अपने अनुसार नापने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कट कर लिया है। और फ्रेंड्स कट करने के बाद हम यहाँ पर फिक्स करने के लिए कुछ जुगाड़ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स जुगाड़ फ्रेंड्स सिंपली हमारा ये है कि यहाँ पर हम पीवीसी पाइप लगाएंगे। तो फ्रेंड्स पीवीसी पाइप के ऊपर हम मिडल में एक मार्क कर लेंगे और मार्क करने के बाद यहाँ पर हम थोड़ा सा होल करेंगे। और फ्रेंड्स होल करने के बाद हमारा जो मोटर फिक्स करने के बाद जो एक और बड़ा होल कर लेंगे। और फ्रेंड्स होल करने के बाद जो हमारा मोटर है एकदम परफेक्टली यहाँ फिक्स हो जा रहा है। और फ्रेंड्स इसको स्टैंड ग्लू चिपका देंगे। चिपकाने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मतलब प्रोपेलर उसके उसको यहाँ पर मोटर फिक्स कर लेंगे। फिक्स करने के बाद फ्रेंड्स अपने मटके के ऊपर हम इसको फिक्स करें। तो फ्रेंड्स फिक्स करने के लिए यहाँ मैंने अपना जो पीवीसी पाइप है उसको थोड़ा सा सोल्डिंग आयरन से गर्म कर रहा हूँ ताकि फ्रेंड्स हमारा जो पीवीसी पाइप हो अच्छे तरीके से फोल्ड हो जाए। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार दोनों साइड से इसे फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने दोनों तरफ से इसे फोल्ड कर लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर थोड़ा सा मिलते देने के इसे स्टैंड ग्लू चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स अब हमारा एकदम मजबूती से पकड़ बना लिया है। और फ्रेंड्स इसके आगे हम जो जाली लगाएंगे जो हमारा आगे से खुला है उसकी जाली लगाने के लिए फ्रेंड्स हमें कोई करंट ना लगे। तो फ्रेंड्स जाली को फिक्स करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं MDF बोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स इसे हम अपने जो स्टैंड ग्लू है उसे चिपका लेंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगता है वीडियो को लाइक हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और फ्रेंड बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो फ्रेंड देख सकते हैं यहाँ पर ये अच्छे तरीके से चिपक चुका है। और फ्रेंड इसी प्रकार हम दूसरे साइड भी चिपकाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ आप देख सकते हैं हमारा दोनों साइड चिपक चुका है। तो फ्रेंड्स एकदम मजबूती के साथ यहाँ पकड़ बना लिया है। और फ्रेंड आप देख सकते हैं हमारा इधर उधर लुड़ जा रहा है। तो फ्रेंड इसको भी यहाँ पर टिकाने के लिए हम दूसरे जुगाड़ लगाएंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने एक कलर का बॉक्स ले लिया है। तो फ्रेंड इसके ऊपर जो ढक्कन उसे हम हटा देंगे। और फ्रेंड ये जो हमारा कलर का बॉक्स है इसके ऊपर हम कुछ इस प्रकार इसे फिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा जो बॉक्स है फिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम इसे मोटर चलाने के लिए यहाँ मैं चार्जिंग पिन कनेक्शन कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स आप मोटर में देख लेंगे कि आपका पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव कौन सा। तो फ्रेंड उसी प्रकार इसका कनेक्शन कर देंगे। तो फ्रेंड्स हमारे यहाँ पर कनेक्शन हो चुका है। अब फ्रेंड्स चलिए इसके टेस्टिंग तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड्स इससे पहले यहाँ पर जो हमारा मोटर है उसको चलाएंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा कॉइल का वायर है उसे भी अपने बोर्ड में 220 वोल्ट सप्लाई दे देंगे। अगर फ्रेंड्स आपका इसका दोनों कनेक्शन के साथ करना है तो आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं बहुत ही अच्छा यहाँ पर जो हमारा हीट है वो दे रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा जो कॉइल है वो एकदम लाल हो चुका है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स बहुत अच्छी हवा निकल रही है। तो फ्रेंड इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और फ्रेंड्स आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए जय हिंद वंदे मातरम।